हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ रोज़ की तरह आप सब अच्छे होंगे। हमेशा की तरह आज फिर से लेकर आ चुकी हूँ एक बहुत ही काम की वीडियो, जिसमें मैंने शेयर किए हैं कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स जिनको यूज़ करके हम अपने डेली के कामों को काफ़ी हद तक आसान बना सकते हैं। तो अगर आज का वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो अपने फैमिली और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इन सारे ट्रिक्स को यूज़ कर पाएँ। और हाँ, चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का ये यूज़फुल वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की मेरी पहली टिप है शर्ट को लेकर। क्या होता है कि शर्ट जब हम लोग धोते हैं तो इसको प्रेस करने के बाद इसकी जो फोल्डिंग है ना, वो बहुत लोगों को करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हम लोग बाहर जब इसको आयरन करने के लिए देते हैं, वो तो बहुत अच्छे से इसको फोल्ड करके दे देते हैं, पर हम जब हम घर में इसको फोल्ड करने जाते हैं ना प्रेस करने के बाद, तो होता नहीं है। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी ट्रिक आपके लिए लेकर आई हूँ। यहाँ पर आपको ले लेना है कोई भी नोटबुक, जो शर्ट के हिसाब से आप लीजिएगा, शर्ट के साइज़ के हिसाब से। उसके बाद उसको रखने सेंटर में रखने के बाद एक साइड से उसको फोल्ड करना है और फिर दूसरे साइड से इस तरीके से फोल्ड करना है। फिर आप बीचों बीच देखेंगे जहां पे हमारा नोटबुक खत्म है, बस उस वहां से इसको फोल्ड कर दीजिए नीचे की तरफ। तो बस इस तरीके से हमारा जो शर्ट की जो फोल्डिंग है ना, वो तैयार हो जाएगी बिना किसी मेहनत के और बिना किसी चिंता के। तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि उन्हें शर्ट की फोल्डिंग ठीक से नहीं कर पाते हैं, तो ये वाली ट्रिक उनके लिए बहुत यूज़फुल है। आप जब आपकी फोल्डिंग हो जाए तो नोटबुक को भी निकालना बहुत आसान है, ईजिली ऊपर से आप इस तरीके से खींच देंगे तो निकल जाएगी। आई होप आपको ये ट्रिक ज़रूर पसंद आई होगी। तो चलिए देखते हैं अगली ट्रिक कौन सी है। हम लोग जब भी साबुन को यूज़ करते हैं तो क्या होता है, साबुन की टिक्की को तो यूज़ कर लेते हैं, पर इसका जो कवर होता है ना, इसको बेकार समझ के फेंक देते हैं। पर इसको भी हम लोग बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, जिनमें से आज एक ट्रिक आपको बताने वाली हूँ। तो इसका जो अंदर का जो ये मोटा वाला जो पार्ट होता है ना, जो जस्ट साबुन के ऊपर में लपेटा हुआ रहता है, इसको हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर। तो इसको हमें कहाँ पर यूज़ करना है, जैसे हम लोग मोज़ा वगैरह धो देते हैं लेकिन फिर भी उसके अंदर की जो बैड स्मेल वगैरह है ना, वो जल्दी जाती नहीं रहती है। तो उसको ना इस तरीके से रोल फोल्ड करने के बाद आप साबुन के इस कवर में इस तरीके से रख दें और ऊपर से एक रबर बैंड लगा दें, और इसको जहां पर भी आप वार्डरोब में रखते हैं वहां पर रख दें। तो आप देखिएगा थोड़ी देर के बाद इसकी जो स्मेल है, नेक्स्ट टाइम जब आप पहनने जाएंगे ना, तो वो बिल्कुल भी बैड स्मेल नहीं करेगा, बहुत अच्छी सी एक स्मेल उसमें आएगी। या फिर आप इस कवर को है ना, जैसे अपने अलमारी वगैरह में भी रख सकते हैं, जहां पर आप कपड़े रखते हैं। कभी कभार क्या होता है कि बहुत ज्यादा दिन तक बंद रहने से है ना, अलमारी में से बदबू आने लग जाती है, बैड स्मेल आने लगती है, तो वहां पर भी वर्क करेगा। चाहे हम अपने शूज में भी इसको रख सकते हैं, रात भर के लिए जो डेली पहनते हैं उसमें आप रात भर के लिए रख दें, नेक्स्ट डे आप जब पहनिएगा ना, तो उसमें से सारी स्मेल खत्म हो जाएगी। तो आई होप आपको ट्रिक जरूर पसंद आया होगा। तो देखते हैं अगली ट्रिक कौन सी है। हमारी अगली ट्रिक में जब हम इस तरीके की एक पॉलीथीन हमें लेनी है और इसको है ना इस तरीके से हाथों में लपेट लेना है। आप चाहे तो इसको पीछे साइड से इसको बांध भी सकते हैं, या फिर इस तरीके से जैसे मैंने बैंगल्स में फंसा लिया है तो भी हमारा काम हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, कोई भी आप पुराना बेकार मोज़ा ले लें, जो भी हम यूज़ नहीं करते हैं डेली यूज़ में, तो बस इस तरीके से हम उस मोज़े को है ना पन्नी के ऊपर हाथों में पहन लेंगे। और इससे हम कैसे क्लीनिंग करेंगे ये आज आपको बताने वाली हूँ। उसके लिए आपको सबसे पहले मोज़े को है ना भिजाना होगा पानी से। इस तरीके से भिगाने के बाद हम जो बेसिन वगैरह होता है ना, उन सबको अच्छे से क्लीन कर सकते हैं हाथ पर। आप थोड़ा सा सोप डिटर्जेंट या कुछ भी लिक्विड लेकर इस तरीके से आप क्लीनिंग कर सकते हैं बिना हाथ को भिगाए। तो आप देख सकते हैं पूरा बेसिन मैं साफ कर दूंगी, लेकिन हमारा जो हाथ है ना वो बिल्कुल भी भीगेगा नहीं, क्योंकि हमने अंदर पॉलीथीन पहनी हुई है और ऊपर से मोजा रखा हुआ है। तो इसी तरीके से हम बाथरूम की क्लीनिंग भी कर सकते हैं। क्या होता है, बहुत लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बाथरूम वगैरह की क्लीनिंग करने में अपने हाथों से, तो उनके लिए ये वाली ट्रिक है ना बहुत यूजफुल होने वाली है। तो इस तरीके से हमारा जितना भी बाथरूम है, डायरेक्ट अपने हाथों से क्लीनिंग करने से क्या होता है, वो बहुत अच्छे से साफ होती है। जितना अच्छे से हम ब्रश से नहीं कर सकते, उतना अच्छे से हम हाथों से कर पाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा मेरी पूरी क्लीनिंग हो गई है, और लेकिन मेरा हाथ नहीं भीगेगा। यहाँ पे मोजा और पन्नी को निकाल के आपको दिखाती हूँ, हमारा हाथ बिल्कुल ड्राई रहने वाला है, बिल्कुल भी हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है अब क्लीनिंग करने में इस दिवाली में। तो आई होप आपको ये वाला ट्रिक जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज का अगला हैक कौन सा है। अगली ट्रिक हमारी जो है वो बहुत यूजफुल होने वाली है इस सर्दियों के सीजन में। तो यहाँ पर हमें ले लेना है प्याज, और प्याज को इस तरीके से छीलकर स्लाइस में काट लेना है। जैसा कि हम सब जानते हैं अब सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली है, और सर्दियाँ स्टार्ट होते ही होने शुरू हो जाते हैं बच्चों की तबीयत खराब और बड़ों की भी तबीयत खराब। क्या होता है कि घरघराहट, सर्दी लग जाती है, गले में घरघराहट होने लग जाता है, तो वहाँ पर हमारा जो ये प्याज वाला नुस्खा है ना, आपको बहुत काम आने वाला है। तो यहाँ पर प्याज को छीलने के बाद स्लाइसेस में इस तरीके से हमें कट कर लेना है।
कट करने के बाद उसको कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जब भी बच्चे इस तरीके से सो जाए, उनकी तबीयत ख़राब हो, तो आप सबसे पहले क्या करें, बच्चों के जो तलवे होते हैं ना उसको अच्छे से साफ़ कर दें पानी से। उसके बाद आप उन्हें पहना दें गर्म मोजा, जो हम लोग सर्दियों में बच्चों को पहनाते हैं ना वो वाला मोजा। और जो भी हमने प्याज के स्लाइसेस कट करके रखे हैं उनको डाल दें इस तरीके से मोजे के अंदर। मोजे के अंदर डालने के बाद इसको हमें पूरी रात छोड़ देना है। अच्छे से मोजा को हम लोग को बच्चों के ऊपर पूरा अच्छे से पहना देना है, टाइट हो जाए ताकि वो निकले नहीं, और इसको रात भर इसी तरीके से छोड़ देना है। आप यकीन मानिए 1 से 2 दिन आप इस तरीके से ट्राई करिएगा ना, तो बच्चों के जो भी सर्दी लगने की वाली प्रॉब्लम जो है, तबीयत खराब हो जाती है, वो बहुत हद तक आराम हो जाएगी। ये सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़े बूढ़े भी कर सकते हैं। एक बार इसको जरूर ट्राई करके देखिएगा, फिर कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइएगा आपको ये हेल्पफुल लगा है कि नहीं। तो आज की हमारी नेक्स्ट स्टेप है लहसुन को लेकर। किचन में सबसे ज़्यादा हमारा जो टाइम खर्च होता है ना वो इसी में होता है, लहसुन छीलने में होता है। और नाखून से अगर हम लोग इसको छीलते हैं तो क्या होता है, नाखून के स्किन में हमारी जो है ना जलन होने शुरू हो जाती है। पर कोई ऐसा तरीका हमें पता हो कि जिससे हमारा जो नाखून में होने वाला जो दर्द है ना वो भी ना हो, और हमारा प्लस हमारा जो लहसुन है ना वो भी जल्दी छिल जाए, तो एक बहुत ही अच्छा तरीका आपके लिए लेकर आई हूँ। हम सबके घर में, हम सबके पास होता है सेफ्टी पिन। तो यहाँ पर हम सेफ्टी पिन के हेल्प से जो भी हमारा लहसुन है, जितना भी हमें लहसुन छीलना है ना, बहुत ही इजीली हम छील सकते हैं। तो आपको क्या करना है, लहसुन का ऊपर वाला जो ये जो कोना होता है ना, यहाँ पर हमें सेफ्टी पिन के हेल्प से इस तरीके से चारों तरफ से निकाल लेना है, उसको हटा लेना है। उसके बाद आप फिंगर से इस तरीके से हटाइएगा, बहुत ही ईजिली निकल जाता है। लहसुन छीलने में हमें सबसे ज़्यादा गांठ के ऊपर में ही प्रॉब्लम होती है, जिसको हम लोग अंगूठे के नाखून से उसको छुड़ाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो उसमें है ना बहुत ज़्यादा जलन होने स्टार्ट हो जाता है। पर सेफ्टी पिन के हेल्प से अगर हम इसको छुड़ाएंगे ना तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, और कुछ ही मिनटों में हम ढेर सारे लहसुन छील लेंगे। तो यहाँ पर देखते देखते कितना सारा मैंने लहसुन छील लिया है आप देख सकते हैं, बस एक सेफ्टी पिन के हेल्प से। तो इस तरीके से बिना किसी दर्द के और बिना किसी जलन के हम अपना घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वाली ट्रिक जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये थे मेरे आज के कुछ यूज़फुल टिप्स और ट्रिक्स। अगर पसंद आए हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। और इनमें से कौन सा ट्रिक आपको सबसे ज़्यादा हेल्पफुल लगा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं अपने चैनल पर ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ आपके लिए लेकर आती रहती हूँ, जिनसे हमारा काम और मेहनत दोनों की बचत हो। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, ताकि इन सारी ट्रिक्स को यूज़ वो भी कर सके। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।